हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, चाहे वो नीट की हो, बोर्ड एग्जाम की हो या फिर आप क्लास 11th में हो। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसके मैंने कई लेक्चर्स ऑलरेडी बना दिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टैक्सोनॉमिक एड के बारे में, ठीक, यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम लोग अच्छी तरह से आज समझने वाले हैं। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके वीडियोज आप लोग देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और भी बाकी सारे लिंक्स वहाँ पे मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो आप लोग वहाँ जाकर के उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है। हर एक वो चीज बेटा, मतलब एवरीथिंग, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, राइट, हर एक वो चीज जो हमें किसी स्पीशीज को समझने में, करेक्ट, उसको अच्छी तरह से स्टडी करने में हेल्प करे, वो कहलाती है टैक्सोनॉमिकल एड, करेक्ट। यानी कि हर एक वो चीज जिससे हमें ये समझ में आ रहा है उस स्पीशीज का हम आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, उसका हम नॉमनक्लेचर कर पा रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं, उसकी सारी चीजें, उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एवरीथिंग हम अगर उसकी समझ पा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो चीज कहलाती है टैक्सोनॉमिकल एड। आई होप कि आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सो टैक्सोनॉमिकल एड की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। ऑल those things means वो सारी चीजें जो हेल्प करती हैं हमें किसी प्लांट्स को, किसी एनिमल को या फिर किसी भी स्पीशीज को समझने में, दैट इज नोन एज द टैक्सोनॉमिकल एड। अब उसमें हम जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मेनली हम देखते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज देखे होंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे टैक्सोनॉमी में मेनली हम ये तीनों चीजें करते हैं, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमनक्लेचर जो स्टडी से यहाँ पे मतलब है, मैं वो चीजें बता रही हूँ, नॉमनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसको कहाँ पे करेक्टराइज किया गया है, किस कैटेगरी में, किस टैक्सोन में उसको रखा गया है, क्लासिफिकेशन एंड उसके रिलेटेड सारी चीजें, एवरीथिंग रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो, सो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके हो गए बोटैनिकल गार्डन्स, नंबर टू जूलॉजिकल पार्क, नंबर थर्ड म्यूजियम, फोर्थ हर्बेरियम एंड फिफ्थ इज की, जिसमें कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिनको हम शेयर करते हैं। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक हट गया है, लेकिन अभी नीट में तो आपका ये है आने वाला है, तो इसलिए इसको मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, भले ही आपका नीट का सिलेबस में ये डिक्लेयर भी हो जाए कि नहीं, हाँ ये चीज़ें नहीं आएंगी आगे आने वाले टाइम में, फिर भी आपको दो तीन साल तक बच्चों, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हो गए बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, हर्बेरियम एंड कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, कौन सी स्पीशीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ की, ठीक। सबसे पहला हम देखते हैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में, दैट इज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? उनको स्टडी करने के लिए, स्टडी मतलब वहाँ पे उनकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, यानी कि उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए, उनका लाइक मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई उनके पढ़ने के लिए, कैसे उनमें ग्रोथ हो रही है, कैसे रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम साइंटिफिक स्टडी उनकी जो करते हैं वो वहाँ पे करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि लाइक उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ कैसी है, अगर कोई फ्लावर निकल रहा है तो वो कैसा होता है, अगर इलायची का पेड़ है तो वो कैसा है, तो उनकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे लोगों को एडुकेट करने के लिए, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। किस लिए ग्रो करते हैं? फॉर साइंटिफिक स्टडी, ठीक, उनके बारे में सारी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए एंड टू एडुकेट पीपल,
बहुत सारे बच्चों पढ़ाई के लिए रिसर्च के लिए वहाँ पे आते हैं एंड बहुत सारे लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए आते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी हम लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये दो मेन मोटो होते हैं बोटैनिकल गार्डन के। अब हमारे पास में कौन कौन से बोटैनिकल गार्डन हैं और कौन से बहुत फेमस वाले बोटैनिकल गार्डन हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा फेमस वाला है दैट इज द इंडियन बोटैनिकल गार्डन। ये इसका ओल्ड नेम है एंड इससे पहले भी एक और पुराना नाम था रॉयल बोटैनिकल गार्डन, लेकिन अब जो करंट में आपका नेम है दैट इज द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। एंड ये कैसा है, न्यू है आपका, ठीक। तो बहुत पुराना था रॉयल बोटैनिकल गार्डन, फिर हुआ इंडियन बोटैनिकल गार्डन एंड देन आफ्टर आपका आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। एंड ये आपका सिचुएटेड है हावड़ा कोलकाता। अब इस बोटैनिकल गार्डन की मेन खासियत क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द ग्रेट बनियन ट्री। द ग्रेट बनियन ट्री यानी कि एक वहां पर बहुत ही जायंट बनियन ट्री है एंड इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस। एंड इस ट्री की बहुत सारी खासियत है, सबसे एक तो ये बड़ी खासियत है कि ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है, ये लगभग 250 साल पुराना है ये ट्री, यानी कि लगभग 250 ईयर्स ओल्ड है ये ट्री, करेक्ट। इस ट्री में 2800 से भी ज्यादा प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं। प्रॉप रूट समझते हैं ना, जब रूट्स आपकी बाहर की तरफ आ जाती हैं, बाहर से वो नीचे जमीन की तरफ जाती है और वो उनको एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करने लगती हैं, राइट। तो उसमें 2800 से भी ज्यादा प्रॉप रूट्स प्रेजेंट है एंड ये कितने एरिया में फैला हुआ है दैट इज द 14,500 स्क्वायर फिट एरिया। ये इतने एरिया में फैला हुआ है, ये इसकी तीन खास बात है। मतलब आप जब वहां पे विजिट करेंगे तो यू विल फील लाइक अ वेरी ह्यूज फॉरेस्ट, लेकिन वो है सिर्फ एक और एक ट्री। जो मेन ट्री है वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि मेन ट्री ये है, बाकी सब क्या है उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये अलग अलग पेड़ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग पेड़ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ है, उसकी सारी ब्रांचेस हैं जो इतने बड़े एरिया में, एक पूरे फॉरेस्ट जितने एरिया में फैली हुई हैं। इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया था फाइकस बेंगालेंसिस। सो ये हो गया एक पॉइंट इसके फेमस होने का। सेकंड जो वहां की खासियत है दैट इज द पैंडनस, एंड जिसका जनरल नेम अगर आपको पता हो तो दैट इज द स्क्रू पाइन। एंड ये क्यों फेमस है, यहां पर इसमें आपको देखने को मिलेगी मल्टीपल रूट कैप। जनरली क्या होती है, एक रूट कैप होती है जो उसकी रूट्स की होती है, उसमें एक रूट कैप होगी, लेकिन यहां पे आपको इसकी स्टिल्ट रूट में मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलेगी। थर्ड जो खास बात है इसकी दैट इज अ जायंट वाटर लिली प्लांट, राइट। उसकी लीव्स इतनी बड़ी होती है कि उसमें 4-6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी बिग साइज की होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उसके साइड के एजेस ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, नीचे से वो कॉपरिश कलर में होती है एंड ऊपर जो होती है वो ग्रीन होती है, तो देखने में भी बहुत सुंदर होती है। एंड दैट इज द जायंट वाटर लिली एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज द विक्टोरिया अमेजोनिका, जायंट वाटर लिली। एंड इसका जो लीफ का डायमीटर होता है वो होता है लगभग आपका 2.5 से 3.5 या 3 मीटर तक का होता है, जिसमें आराम से 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, इतने बिग साइज की होती है, ठीक। तो ये तीन मेन खासियत थी जो हमारा मेन रॉयल बोटैनिकल गार्डन यानी कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन जो है कोलकाता में हावड़ा में वहाँ पे जो मौजूद है, उसमें ये तीन मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है आपका लखनऊ में एक बोटैनिकल गार्डन है दैट इज द NBRI, दैट इज नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दैट इज द नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे बहुत सारे बच्चे एज अ जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट और बहुत सारे बच्चे अपनी PhD के लिए वहां पे मेनली जो काम करते हैं ना बच्चे, वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे काम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस फॉर द स्टडी पर्पज ऑफ प्लांट। जो थर्ड वन है दैट इज द रॉयल बोटैनिकल गार्डन। एंड ये मौजूद है आपका क्यू इंग्लैंड में एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस
बोटैनिकल गार्डन। सो हमने ये तीन बोटैनिकल गार्डन्स पढ़ लिए, बाकी के जो बचे हुए हमारे टैक्सोनॉमिकल एड हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली एक या दो वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू द वन शॉर्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे एंड आप लोगों को इसमें पढ़ाई में मदद मिल रही होगी। बाकी आप अपने कॉमेंट्स में मुझे अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून विद मी एवरीवन, बाय बाय।